ओके, तो हम ये अब क्वेश्चन ले रहे हैं, इवेल्यूएट दिस इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा है, इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, कंसीडर द इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप। हमने बताया था जब कॉस या साइन का फंक्शन आता है तो उसको ई की पावर में लेते हैं, ठीक है। तो ई की पावर आई जेड ले लिया, क्योंकि हम ई की पावर आई जेड को खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, तो उसका ये क्या होगा, रियल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस के केस में हमें रियल पार्ट निकालना होता है, साइन के केस में हमें इमेजनरी पार्ट निकालना होता है। तो ई की पावर आई जेड हमने इसको ले लिया, नीचे जो भी पॉलिनोमियल होती है सिर्फ एफ की जगह हम क्या कर देते हैं, जेड कर देते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने इंटीरियर कंसिडर कर लिया है। हमने मान लिया सी जो है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर, आर जो है बहुत बड़ा सर्किल है, ठीक है। तो हमने ये सर्किल लिया है, ये हमारा पूरा सेमी सर्किल है, ठीक है। तो इस पर हमने मेंशन नहीं किया है, लिखने की ज़रूरत है, लिख सकते हैं हम इसमें कि हमारे पास जो रियल एक्सिस है वो माइनस आर से आर है, और यहाँ ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपर हाफ जो है वो सी आर है, और पूरे सर्किल को, पूरे हाफ सर्किल को हमने क्या है, सी नाम दिया है, ठीक है। तो इसका अंदर सी में दो पार्ट हो गए, माइनस आर से आर हो गया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सी आर हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसके क्या निकालना होंगे, पोल निकालना होंगे। तो पोल हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जीरो रखेंगे तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस ए आई आएगी, तो ए आई माइनस ए आई, इसी तरीके प्लस माइनस बी आई आएगी, तो बी आई और माइनस बी आई हमने अलग अलग करके लिख लिया, तो इसके चार रूट आएंगे। तो प्लस ए आई और प्लस बी आई ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये अपर हाफ में होंगे, और बाकी दो जो होंगे वो लोअर हाफ में होंगे। तो लोअर हाफ वाले हमारे आउटसाइड हो जाएंगे, तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ इनसाइड वाले लेना है। तो हमने क्या कहा, जेड इक्वल टू ए आई और बी आई जो है इनसाइड सी हैं, तो इन्हीं दो पे हमें रेसिड्यू निकालना होगा, रेसिड्यू जेड इक्वल टू ए आई। तो हमारा फॉर्मूला जेड टेंस टू ए आई जेड माइनस ए आई इंटू एफ जेड, एफ जेड हमारा जो ये फंक्शन है हमने इसको एज सच उतार दिया है, क्योंकि जेड माइनस ए आई आया है तो हमने सिर्फ इसके फैक्टर दिखाए हैं, जेड माइनस ए आई और जेड प्लस ए आई इसके फैक्टर हो जाएंगे, और ये जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख दिया है। अब अगर हम यहाँ देखें तो जेड माइनस ए आई से जेड माइनस ए आई हमारा कैंसिल हो जाएगा, जेड की जगह हम ए आई रखेंगे, यहाँ ए आई रखेंगे, ए आई प्लस ए आई टू ए आई हो जाएगा, तो ये टू ए आई आ जाएगा। जेड स्क्वायर की जगह ए आई रखेंगे तो आई का स्क्वायर माइनस वन होगा ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। न्यूमरेटर में अगर जेड की जगह ए आई रखते हैं तो यहाँ ए आई रखा जाएगा, आई इंटू आई आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस वन इंटू ए, तो ए की पावर माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। सेम एज हमने रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू बी आई पे निकाला है, तो यहाँ पर जेड माइनस बी आई से मल्टीप्लाई इंटू एफ जेड, तो एफ जेड हमारा पास यही सेम फंक्शन है, यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने ऐसे ही रख दिया है, और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, जेड माइनस बी आई जेड प्लस बी आई। तो यहाँ पर हमारा जेड माइनस बी आई जेड प्लस बी आई हम लिख देंगे, यहाँ जेड माइनस बी आई से जेड माइनस बी आई हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जेड की जगह बी आई रखेंगे, यहाँ बी आई रखेंगे तो आई 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 स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, इसका तो माइनस वन इंटू बी आ जाएगा। सेम है यहाँ पर हम बी आई रखेंगे तो आई का स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर बी आई रखेंगे तो बी आई प्लस बी आई टू बी आई आ जाएगा। अब हम बाई कॉशी रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इसमें इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू पाई आई सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी, हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब हम इसमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, हमने दोनों रेसिड्यू निकाल लिए हैं, ये हमारा जो एफ जेड फंक्शन था वो हमने लिख दिया है, यहाँ पर सी जो है वो पूरा है, तो हमने यहाँ पर सी आर यहाँ से यहाँ तक है और माइनस आर से आर है, तो हमने यहाँ पर सी आर अलग कर लिया, माइनस आर से आर अलग कर लिया, और यहाँ एफ जेड फंक्शन की वैल्यू लगा दी जो हम फंक्शन लेके चले थे, क्योंकि माइनस आर से आर जो हम इस लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब वाई हमारा ज़ीरो होगा तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो जेड इक्वल टू हमारा एक्स आ जाएगा। तो जेड जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पर हमने एक्स रख दिया है, इक्वल टू टू पाई आई सम ऑफ ऑल द रेसिड्यू एट द पोल विद इन सी। तो हमारे एक पोल की वैल्यू ये आई थी और दूसरे पोल पर रेसिड्यू की वैल्यू ये आई, तो हमने दोनों को प्लस करके यहाँ पर रख दिया है। अब हम यहाँ पर लिमिट ले रहे हैं आर टेंस टू इन्फिनिटी पर, जब r टेंस टू हम इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, जब r हमारा क्या होता है मॉड ऑफ z इक्वल टू हम r लेते हैं, जब r टेंस टू इन्फिनिटी है
तो इसका मतलब मॉड ऑफ जेड भी टेंस टू इन्फिनिटी होगा। जब मॉड ऑफ जेड इन्फिनिटी होगा तो यहाँ इन्फिनिटी लगाना तो वन अपॉइंट इन्फिनिटी जीरो होता है, तो इसका मतलब ये जीरो होगा। और ये हमारी कहलाती है जॉर्डन लीमा। इसको हमने फुल एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन जॉर्डन लीमा से कि जनरली हमेशा जीरो ही आता है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट वाला इंटीग्रल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू इसकी इंटीग्रल की जीरो रख दी है, प्लस यहाँ लिमिट आर हमने इन्फिनिटी दिया तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने कर दिया है। ई की पावर आई एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसमें से क्या करा है, आई अगर हम इससे कॉमन ले लें तो ये वाला आई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टू अगर हम कॉमन ले लें तो इस वाले टू से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर पाई बचा है तो पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई की पावर माइनस बी अपॉन बी बचेगा। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस ए अपॉन ए और ये आएगा माइनस का, तो ये यहाँ पर आ गया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप रह गई है, इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से हमने अगर रियल पार्ट निकाल लें तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पूरा का पूरा रियल है तो ये ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा, मीन्स पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई की पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई की पावर माइनस ए अपॉन ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।